हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानवियान। तो आज मैं जो डीआईवाई बनाने वाली हूँ उसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड शीट। तो मेरे पास जो है ये केक वाला खाली बॉक्स पड़ा था, मैं इसी का यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को जो है ओपन कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक स्वास्तिक साइज के लिए कट कर लिया है, उसी के साइज का मैं कार्डबोर्ड पर निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद मैं जो है इस स्वास्तिक को अच्छे से कट कर लूंगी। अब इसको कट करने के बाद मुझे इस पर जो है पेंट करना है। उसके लिए मैं नीचे एक पन्नी बिछा लूंगी ताकि जो है पेंट हमारे टेबल पर ना लगे। उसके बाद एक्रेलिक कलर का यूज करने वाली हूँ। तो ये एक्रेलिक कलर मैंने रेड कलर का चूज किया है क्योंकि पूजा के लिए हम जो है ज्यादातर रेड कलर का यूज करते हैं, जो कि शुभ भी माना जाता है। उसके बाद इसको हमें सूखने देना है। सूखने के बाद हम इस पे डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने जो है फेविकोल लगा के उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन जो है चिपका दिया है। स्टोन के चारों तरफ मैंने एक्स्ट्रा फेविकोल इसीलिए रखा है ताकि मैं गोल्डन कलर की एक चैन इसके ऊपर चिपका सकूं। अब धीरे से मैं इसको जो है चैन को इस स्टोन के चारों तरफ लगा दूंगी। ये अच्छे से लगने के बाद मुझे स्वास्तिक के चारों कोनों पर एक एक करके डॉट लगाना है। अब मैंने एक एक करके जो है स्टोन को चिपका दिया है। उसके बाद येलो कलर से मैं एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। येलो कलर से इनके चारों तरफ एक एक डॉट लगा दूंगी। रेड के ऊपर येलो कलर काफी उभर कर आ रहा है, इसी प्रकार से बाकी के चारों तरफ भी मैं इसी तरह एक एक डॉट लगा दूंगी। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद टूथपिक की हेल्प से येलो कलर का एक डिजाइन बना रही हूँ। यहाँ मैं ब्रश का यूज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास जो है पतले वाला ब्रश नहीं था, तो मैं टूथपिक की हेल्प से कर रही हूँ। आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से कर सकते हैं। ये चारों कोनों पर करने के बाद हमारा जो है स्वास्तिक स्टिकर रेडी होने वाला है। अब मैं जो है एक ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट और बना दूंगी। ये स्टिकर रेडी होने के बाद हम इसको पूजा के स्थान पर यूज कर सकते हैं। इसका हम किचन के बाहर या मेन गेट के बाहर भी हम दोनों तरफ जो है स्वास्तिक का यूज कर सकते हैं।